आज मैं दिखाने वाला हूँ, हमारे पास आया फाइव टू सी बिल्ली का, जिसमें क्या हो रहा है कि इसका जो वन वे क्लच है वो बिल्कुल खराब हो चुका है, जिसके कारण बाइक स्टार्ट नहीं हो रहा है। और आपको मैं ये भी बताऊंगा कि आखिर ये खराब हुआ कैसे। तो चलिए इसका वन वे चेंज करते हैं। अभी तो हमारे पास वन वे है नहीं, तब भी मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि वन वे कैसे खोलते हैं इसका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब देख सकते हैं बाइक स्टार्ट नहीं हो रहा है। बहुत लोग क्या करते हैं, इस लेटर लेते हैं थ्रॉटल, बाइक स्टार्ट करने के लिए जब सेल्फ लेते हैं तो ऐसे करते हैं, ये जो थ्रॉटल है ये भी ओपन करते हैं। ये करना नहीं चाहिए, जिसके कारण ही वन वे डैमेज होने का सबसे बड़ा रीज़न यही होता है। अगर आपको बाइक स्टार्ट भी करना है तो आप नॉर्मल ये बस बटन क्लिक करके भी स्टार्ट कर सकते हैं। इसका मैग्नेट कवर खुल गया है, आप ये देख सकते हैं। जैसे ये इस क्लॉकवाइज रोटेशन में ये घूम सकता है, लेकिन ये एंटी क्लॉकवाइज इसको नहीं घूमना चाहिए। और आप देख सकते हैं ये एंटी क्लॉकवाइज भी घूम रहा है, देखिए ये इसका ख़राब हो चुका है। अब मैग्नेट निकालते हैं। अगर आपके पास मैग्नेट होल्डर नहीं है तो आप यहाँ पर फंसा के, आप ऐसे फंसा के इसको खोल सकते हैं। मैंने इसको खोल दिया है, बस हल्का सा थ्रेड बाकी है, तो मैं खोल के पूरा आपको दिखाता हूँ। तो ये यूनिवर्सल पुलर है, इसे आप कोई भी बाइक का खोल सकते हैं। तो चलिए इसको निकालते हैं। यही है इसका वन वे, और यही हो चुका है इसका खराब। ये जो आप देख रहे हैं ये घिस जाता है, तो चलिए इसको निकालते हैं। अब इसका वन वे देख सकते हैं, और इसका स्प्रिंग पूरा डैमेज कर दिया है। तो हम लोग इसको ऐसे, तो ये वन वे का प्राइस है 2700 के आसपास, हम लोग इसको मात्र ये स्प्रिंग चेंज करके इसको बना देते हैं। और चलिए इसको हम खोल दिए हैं, अब इसको बाहर निकालते हैं। वन वे मैंने बना दिया है, अब इसको फिट करके बाइक में लगा देते हैं। मैंने क्या किया है कि इसका जो स्प्रिंग होता है वो ज़्यादातर में क्या होता है कि स्प्रिंग ही डैमेज होता है। जैसे आप ये देख सकते हैं ये स्प्रिंग पूरा डैमेज हो चुका था, तो मैं इसमें डबल स्प्रिंग लगा दिया हूँ छोटा छोटा। आप इसमें सॉकर वालसील का भी स्प्रिंग लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं सॉकर वालसील में ये स्प्रिंग होता है, आप ये स्प्रिंग यूज कर सकते हैं। जब आप स्प्रिंग लगा रहे हैं तो इस दो स्प्रिंग यूज कीजिएगा, इससे क्या होगा कि टाइट ज़्यादा होगा और जल्दी लूज नहीं होगा। चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी ये मैग्नेट का ये जो कस रहे हैं ये कसिएगा तो लॉक टाइट हमेशा लगा दीजिएगा, क्योंकि बहुत बार क्या होता है ये खुल जाने के कारण आपका आर्मेचर कॉइल पूरा डैमेज कर देगा। अब ये है, इसको कस देते हैं, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ कि पुराना वाला आवाज कर रहा है या नहीं कर रहा। चलिए बाइक स्टार्ट करके देखते हैं। चलिए बाइक हो गया सही।